रिसेंटली मैंने अभी सीरीज देखा मिर्जापुर 2, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, जिसमें मुन्ना भैया और कालीन भैया का जो कैरेक्टर था मुझे काफ़ी पसंद आया। और अभी उसके बाद फिर मैंने एक छलांग मूवी देखी, जो कि स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी है, स्पेशली जो विलेज में एक स्कूल से एक पीटी टीचर मतलब कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और उसके उस कैसे वो दिखाया गया है, स्पेशली कबड्डी बास्केटबॉल जो हमारे इंडिया में इतने गेम फेमस नहीं है। और स्पेशली उसमें एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया, जब वो खेलते हैं तो साथ मिलके खेलते हैं, तो वो पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस मूवी में। सन्स ऑफ द सॉयल, नाम काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक शो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाम में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा दम वाली बात लग रही है कि ज़मीन से कुछ जुड़ा हुआ है या कुछ ना कुछ आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं पहले ना इसका ट्रेलर देख लेता हूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर अभी तक देखा नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा फिर ट्रेलर देख के ही आपसे बात करूँगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अंतर तो कोमा में पड़ी, ये सीजन लाइफ एंड डेथ है, ये सीजन नहीं खेलेगा ना, ये तेरा जिंदगी का लास्ट सीजन है। बहुत सारी उम्मीदें खत्म होती थी। Failure is not something nice. Nobody likes to deal with failure. Failure has a nasty way of dealing with you. Let's go, boys. Let's win. Panthers! हमारे लाज बचाने के लिए सर के लाज बचाने के लिए जीत के दिखाओ। एंटीगा, अगर मारा एंटीगा। अरे मैं भी चलेगा। देखे कहीं दूसरा लेना समझ में आ रहा है? परिवार था एक, वो बिखर गया। छोड़ता कौन है और क्यों छोड़ने बजान कौन देता है? परिवार संभाला नहीं गया। जयपुर आगे जाएगी, कोशिश करेगी। I still believe that this team can win. इस टीम ने जब पहले 7 मुकाबले खेले थे, हम सोच रहे थे और पूछ रहे थे कि हारेंगे तो हारेंगे कैसे, और अब हम पूछ रहे हैं कि जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे। Be focused, let's be strong, let's be aggressive. हम खेलने के लिए जी जान से उतरेंगे, इस बार ये जरूर वादा है। मैच पे क्या करेंगे? मैंने आपको उसे हमेशा कहा है कि once a panther, always a panther. तो इसका मतलब है कि एक बार आप इस परिवार से जुड़ गए हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। यार मुझे तो काफी पसंद आया यार ये ट्रेलर, क्योंकि जो एक 40 मिनट्स कबड्डी के मैच में होती है ना चीज़ें, वो सिर्फ आप दिखते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में क्या दिखाया गया है, इसमें जो कितनी मेहनत लगती है उस 40 मिनट्स के मैच के लिए, कौन कौन लोग होते हैं उसमें, लाइक यू नो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ, आपके कोचेस, आपके ओनर्स, तो उन सब की मेहनत भी दिखाई गई है, क्योंकि इस चीज़ को मैं अपने से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। यार सीरीज के यू नो स्टार्टिंग में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया, और ये चीज़ तो मुझसे अच्छा कोई समझ भी नहीं सकता, लाइक यू नो क्योंकि कितना प्रेशर होता है मीडिया का, स्पेशली जब आप जीतते हो या स्पेशली जब यू नो जब आप हारते हो, जब आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, मीडिया के इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन में ना समटाइम इतने हार्श हो जाते हैं कि, लेकिन स्टिल आपको उसका आंसर देना पड़ता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट काफ़ी मेरे को पसंद आया ट्रेलर का, क्योंकि स्टार्टिंग में वो प्रेशर दिखाया गया है जो असली यू नो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में होता है। ये सीजन लाइफ एंड डेथ है, ये सीजन नहीं खेलेगा ना, ये तेरा जिंदगी का लास्ट सीजन है। यार इस पे तो पूरा यू नो प्लेयर्स के प्रेशर के बारे में बता रखा, जो एक प्रेशर जो होता है ना प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा वो होता है कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं करी और मैं बाहर हो जाऊंगा, तो एक प्लेयर्स के उस बारे में इसमें परफेक्ट दिखा रखा है, क्योंकि एक आप कई बार अच्छा नहीं करते, एक दो मैच आपके ख़राब जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है मैं अगला मैच में ड्रॉप ना हो जाऊं या मैं इस सीरीज़ के बाद ड्रॉप ना हो जाऊं, और काफ़ी मुश्किल होता है स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए कमबैक करना। Nobody likes to deal with failure. Failure has a nasty way of dealing with you.
अभिषेक बच्चन सर ने काफ़ी अच्छी बात बोली इसमें कि नोबडी वांट टू डील विद द फेलियर, और ये एक फैक्ट है क्योंकि जब आप अच्छा करते रहते हैं तो आप यू नो वो थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आपके 3-4 मैच अच्छे नहीं जाते, वो जो एक स्टेज आती है कि जब आप विकेट नहीं मिलती या रन नहीं बनते, आप कई बार ड्रॉप भी हो जाते हो, लेकिन वहाँ से फिर आप वापस कमबैक कैसे करते हो, फिर टीम में कैसे आते हो, तो आई थिंक वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अच्छे टाइम पे तो मैं हूँ ही, लेकिन जब मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो मैं वहाँ से यू नो बाउंस बैक कैसे करूँ। कई बार मेरे साथ भी होता है कि एक दो मैचों में विकेट नहीं मिली जितनी मैं ले सकता हूँ, लेकिन थर्ड मैच में मैंने 5 निकाला या 4 विकेट ली, तो आई थिंक वो एक ये जो है ना फेलियर जो एक टाइम रहता है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हो, अगर वो छोटा हो तो उतना सक्सेसफुल ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स में। संभाला नहीं गया इंजरीज इंजरीज एक ऐसा पार्ट है स्पोर्ट्स पर्सन का जिसके उसके बिना लाइफ पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे तो हुई है, मेरे को तो 4 फ्रैक्चर हुए हैं। एक बार 2015 में मेरे को बॉल डालते हुए मैच के बीच में ही मेरा जो मिडल ये लिटल फिंगर है इस पर बॉल लग गया था, तो मुझे पता था फ्रैक्चर हो गया, बट आई प्लेड दैट मैच। बट उसके बाद मैं 10 मैचेस खेला, एंड अभी क्योंकि आई थिंक वो एक ना कि इंजरी आपके साथ चलती रहती है, लेकिन उसके लिए आप कितनी इंजरी अवॉइड कर सकते हैं, जितनी कम हो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है। स्पेशली आप अच्छा वर्कआउट करिए, आप अच्छा ट्रेन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, टाइम पे सोना, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आई थिंक इंजरी फ्री रहना भी ना एक काफ़ी चैलेंज रहता है। आई थिंक ये सीरीज़ का मेरा सबसे यू नो फेवरेट पार्ट है फैंस, जिस तरह से वो आगे आपको शेयर करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए पोस्टर बनाते हैं, आपकी टीम के लिए वो चीज़ करते हैं, तो उनके बिना मैचेस ना मज़ा नहीं आता। जैसे अभी हम रिसेंटली आईपीएल खेले थे तो फैंस नहीं थे, लेकिन हम सब ने मतलब एक प्लेयर ऐसा नहीं हुआ जिसने उनको मिस नहीं किया। आई थिंक फैन जो चीज़ है ना वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। खेलने के लिए जी जान से उतरेंगे इस बार, ये ज़रूर वादा है। मैच में क्या करेंगे यार अभिषेक सर ने ना क्या कमाल लाइन बोली है कि मैच में क्या करेंगे, ठोकेंगे, मतलब ऐसा ऑनर हो तो फिर बात ही अलग है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अमेजोन प्राइम वीडियो को जिन्होंने इतनी अच्छी सीरीज़ बनाई है। अगर आप कुछ सीरीज़ देखते हैं उसमें सिर्फ दिखता है कि हाँ यही करेक्टर्स हैं, यू नो यही लोग प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज़ में क्या है कि बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं उनकी कितनी मेहनत है वो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको इंस्पायर करेगी। कितना हार्ड वर्क लगता है, कितना डेडिकेशन लगता है कि एक टीम को बनाने के लिए, और डेफिनेटली मैं एक चीज़ बोलूँ इस बार यू नो जयपुर पिंक पैंथर्स ना पक्का ठोकेंगे। तो मेरे मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया, अब मुझे वेट नहीं हो रहा कि कब ये सीरीज़ आएगी यू नो। और आप ना सन ऑफ द सॉयल्स प्लीज़ इसे देखिए अमेजोन प्राइम वीडियो पे 4th December को।